नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेन ज्ञान में। दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो स्टार्ट करी थी कंपैरिजन के बारे में, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको बिहार सफर क्रांति और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के बारे में, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कुछ और कंपैरिजन वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं एक और दूसरी कंपैरिजन वीडियो बनाने वाला हूं, जो कि है जयनगर गरीब रथ और बिहार सफर क्रांति एक्सप्रेस के बारे में। सेम एज इट इज उसकी तरह बताऊंगा, पहले गरीब रथ के बारे में, फिर बिहार सफर क्रांति के, फिर उसके डिस्टेंस ट्रेवल, एवरेज टाइम, स्टॉप्स, रूट्स, हॉल्ट क्या क्या हैं, कौन सा लोकोमोटिव यूज होता है, इन सबकी जानकारी हम हासिल करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को फटाफट। बात किया जाए दोस्तों जयनगर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस की, तो ट्रेन ऑपरेट करती है 12569/70। ये ट्रेन एक बाई वीकली, मतलब वीक में दो दिन चलती है, सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है, जो कि जयनगर जो पड़ता है बिहार में, वहाँ से आनंद विहार टर्मिनल जो पड़ता है न्यू दिल्ली में, इसके बीच चलती है। अब आते हैं बिहार सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस के ऊपर। तो ट्रेन ऑपरेट करती है 12565/66। ये जो है डेली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है, जो कि दरभंगा जो पड़ता है बिहार में, वहाँ से दिल्ली के बीच चलती है। ये दोनों ट्रेन जो है दोस्तों वो ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा देख रेख करी जाती है। अब आते हैं जयनगर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस के डिस्टेंस ट्रेवल पे। तो ये करीबन 1252 किलोमीटर का ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो भी करीबन 20 आवर्स 25 मिनट्स में। इसके करीबन 19 स्टॉप्स हैं। अब आते हैं दोस्तों बिहार सफर क्रांति एक्सप्रेस की। तो ये जो है डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1174 किलोमीटर का, इसको एवरेज टाइम लगता है 20 आवर 55 मिनट्स। इसके करीबन 9 स्टॉप्स हैं। आपने डिस्टेंस देखा थोड़ा बिहार संक्रांति कम करती है, बट टाइम दोनों को, टाइम जो गरीब रथ को कम लगता है कम्पेयर टू बिहार संक्रांति। उसके बाद आते हैं दोस्तों क्लासेस के ऊपर। तो दोनों ही ट्रेन में ICF रेक्स के कोचेज शेयर होते हैं, बट गरीब रथ के अंदर AC 3 इकोनॉमिक क्लास का यूज़ होता है। अब इकोनॉमिक क्लास क्या होता है उसको मैंने पहले से ही वीडियो बना के रखी हुई है, ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। इसमें दोस्तों 2 EOG का यूज़ होता है और इसमें 20 कार का यूज़ नहीं होता। उसके बाद आते हैं दोस्तों बिहार सफर क्रांति एक्सप्रेस के रेक्स पे। तो इसमें भी ICF रेक्स का कोच यूज़ होता है, जिसमें से एक फर्स्ट एसी कम सेकंड एसी का कोच होता है, सेकंड एसी के, थर्ड एसी के, स्लीपर क्लास, जनरल अनरिजर्व्ड, पेंट्री कार और SLR का यूज़ होता है। रूट्स या हॉल्ट की बात करी जाए तो जयनगर गरीब रथ जो है जयनगर से निकल के दरभंगा, बरौनी, पटना, मुगलसराय, अलाहाबाद, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ होते हुए आनंद विहार टर्मिनल पहुंचती है। और वहीं बिहार सफर क्रांति जो है दरभंगा से निकल के समस्तीपुर, हाजीपुर, छपरा, सिवान, गोरखपुर, लखनऊ चारबाग, कानपुर सेंट्रल होते हुए न्यू दिल्ली पहुंचती है। ऑपरेटिंग स्पीड की बात की जाए तो जयनगर गरीब रथ की है 61 KMPH मिनिमम इंक्लूडिंग हॉल्ट और 130 KMPH या 120 KMPH मैक्सिमम है। उसके बाद बिहार सफर क्रांति की 55 KMPH मिनिमम इंक्लूडिंग हॉल्ट स्पीड है और 110 KMPH मैक्सिमम है। अब दोस्तों एक चीज़ गौर करना, दोनों सुपर फास्ट ट्रेन है, बट जो गरीब रथ है उसको थोड़ी सुपर फास्ट से थोड़ी ज़्यादा स्पीड इसको मिलती है। ऐसे नॉर्मल टू जो स्वतंत्रता सेनानी या बिहार सफर क्रांति की बात करें तो उसकी एवरेज स्पीड 55-57 इतनी होगी, बट इसकी 61 है। ट्रैक्शन की बात की जाए दोस्तों तो इसमें पहले आते हैं जयनगर गरीब रथ में। तो इसमें समस्तीपुर शेड का WDM 3A का लोकोमोटिव यूज़ होता है जयनगर से बरौनी तक। फिर बरौनी के बाद गाजियाबाद शेड या मुगलसराय शेड का WEF 4 या WEF 7 का लोकोमोटिव यूज़ होता है टिल आनंद विहार टर्मिनल्स तक। उसके बाद दोस्तों आते हैं बिहार सफर क्रांति एक्सप्रेस में। तो इसमें समस्तीपुर शेड का WDM 3D या WDP 4D का लोकोमोटिव यूज़ होता है दरभंगा से समस्तीपुर। फिर उसके बाद गाजियाबाद शेड का WEF 7 का लोकोमोटिव यूज़ होता है टिल न्यू दिल्ली तक। टाइमिंग्स की बात की जाए दोस्तों तो आनंद जो गरीब रथ है वो उसका जो ट्रेन नंबर है 12569 वो जयनगर से हर मंडे और फ्राइडे को निकलती है रात दिन में 12 बजे और अगले दिन आनंद विहार सुबह 8:20 पर पहुँच जाती है। और जो 12570 जो रिवर्स सेक्शन में चलती है वो चलती है आनंद विहार से हर ट्यूजडे और सैटरडे को 4:25 शाम में और अगले दिन जयनगर जो है 1:33 पर पहुँच जाती है। फिर आते हैं दोस्तों बिहार सफर क्रांति की टाइमिंग्स के ऊपर। तो 12565 जो है दरभंगा से 8:35 सुबह निकलती है और अगले दिन न्यू दिल्ली 5:30 पहुँच जाती है, जबकि 12566 जो है वो न्यू दिल्ली से 2:15 पर निकलती है और अगले दिन दरभंगा 11:05 पर पहुँच जाती है। तो दोस्तों आज हमने जाना
बिहार संपर्क क्रांति और जयनगर आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस के कंपैरिजन के बारे में कि कौन किसको ज़्यादा टाइम लेता है, कौन क्या लेता है। तो बात की जाए तो गरीब रथ जो है वो उसके डिस्टेंस ट्रेवल तो ज़्यादा करती है बट वो टाइम कम लेती है, उसके स्टॉप्स भी ज़्यादा हैं। तो देखा जाए तो गरीब रथ एक्सप्रेस इस रूट के लिए आपके लिए बेस्ट ट्रेन होगी। अगर आप जयनगर जाना चाहते हैं तो ये आपको बेस्ट रूट ट्रेन मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई तो